नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश अध्यापक शिक्षक संवर्ग बड़ी खबर है। नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, प्रथम द्वितीय क्रमोती अनुकंपा अर्जित अवकाश, सर ट्रांसफर की मांग को लेकर ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम दिया जाना है। 11 मांग है प्रमुख, जो आइए जान लेते हैं कौन कौन सी मांग है। इस ज्ञापन को आप डाउनलोड भी कर पाएंगे, जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके माध्यम से। तो आइए देख लेते हैं लेट्स। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश ने प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल को अध्यापक शिक्षक संवर्ग की लंबित मांगों का निराकरण करने के लिए ये ज्ञापन बनाया है। चलिए ज्ञापन में कौन कौन सी मांग है जान लेते हैं। लिखा है कि महोदय जी, उपरोक्त विषय अंतर्गत अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा प्रदेश में कार्यरत अध्यापक शिक्षक संवर्ग की निम्नलिखित मांगों का निराकरण करने का आपसे अनुरोध करता है। कि पहली मांग है कि राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त अध्यापक शिक्षक संवर्ग की राज्य के कर्मचारियों की भांति समस्त स्वायत्तों हेतु पेंशन, ग्रेजुटी, अर्जित अवकाश का भुगतान आदि में भी प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना की जाए। दूसरी है कि अध्यापक शिक्षक संवर्ग की अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू की जाए, जिससे संबंधित को परिवार पेंशन का लाभ मिल सके। तीसरी है कि 12-24 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अध्यापक शिक्षकों को क्रमोन्नति सम्मान वितरण के आदेश जारी किए जाए। चौथी है कि विगत वर्षों में दिवंगत हुए अध्यापक शिक्षक संवर्ग के आश्रित परिवारों के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों का निराकरण नियमों को शिथिल करते हुए शीघ्र किया जाए। पांचवी मांग है कि छठवें वेतनमान की वेतन विसंगति दिसंबर 2015 की स्थिति में विद्यमान वेतनमान की स्थिति में तत्स्थानीय वेतनमान लागू करते हुए दूर की जावे। साथ ही वेतनमान निर्धारण में अतिरिक्त वेतन वृद्धि, ग्रीन कार्ड एवं 6 माह की सेवा अवधि पूर्ण करने पर राज्य के अन्य कर्मचारियों की भांति अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। छठवीं है, प्रदेश में कार्यरत प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को उच्च पद पर पदोन्नति का लाभ दिया जावे। सातवीं है, दिनांक 1/7/2018 से लागू नवीन शिक्षक संवर्ग में सम्मिलित होने से वंचित से सभी अध्यापक संवर्ग को नवीन शिक्षक संवर्ग में सम्मिलित किया जावे। आठवीं, अध्यापक शिक्षक संवर्ग के असमयक दिवंगत या सेवानिवृत्त होने पर राज्य के अन्य कर्मचारियों को भांति ग्रेजुटी का लाभ दिया जावे। नवीन अध्यापक शिक्षक संवर्ग को निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जाए। दसवीं है कि मध्य प्रदेश में एक शैक्षणिक व्यवस्था लागू कर आदिम जाति विभाग के विद्यालयों को स्कूल शिक्षा में मर्ज किया जाए। ग्यारहवीं है, वर्ष 2019 की स्थानांतरण नीति के तहत अध्यापक शिक्षक संवर्ग के अंतर विभागीय प्रतिनियुक्ति में स्थानांतरित किए गए अध्यापक शिक्षक संवर्ग को वर्तमान में पदस्थ विभाग में मर्ज किया जाए। माननीय से हमारा विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि उक्त मांगों का निराकरण अतिशीघ्र कराने की कृपा करें। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा आपका सदैव आभारी रहेगा और समस्त जो हैं पदाधिकारी उनके हस्ताक्षर हैं। इस ज्ञापन पत्र को आप डाउनलोड कर पाएंगे, जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके माध्यम से। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।